हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल पकौड़ा। एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी और प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। इसको बनाने के लिए देखिए, मैं एक कप मूंग दाल को भिंगा ली थी 2-3 घंटा पहले, एकदम अच्छे से फूल गया है। और 2-3 पानी से धो के मैं भिंगाई थी। आप चाहे तो पूरा रात भी भिंगा के रख सकते हैं। और इसको मैं छान ली हूँ एक छन्नी में। पानी पूरा निकाल लेना है। अब हम इसको पीस लेंगे। पीसने के लिए एक जार ले ली हूँ मिक्सी का। इसमें दाल को देखिए डाल देंगे और इसको महीन पीस लेंगे। अब हम इसमें 2-3 कली लहसुन डाल देंगे। इसको भी दाल के साथ पीस लेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, सारे को पीस लेंगे अच्छे से। देखिए दाल पीस गया, तैयार हो गया। और हम निकाल लेंगे अब एक बर्तन में। देखिए इसी तरह से पीस के तैयार कर लेना है। अब हम इसको 2-3 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस 2-3 मिनट लगातार हम फेंट के तैयार कर। ये देखिए दाल को मैं फेंट ली 2-3 मिनट। आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर से बनाना। आप लोग का कैसा बना कमेंट में ज़रूर से बताना। अब हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे और 1 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग से अच्छा फ्लेवर आता है और पेट के लिए भी अच्छा है। और 2-3 मिर्ची को मैं बारीक काट के डाल रही हूँ। आपको जितना तीखा खाना पसंद है आप अपने अनुसार मिर्ची ले सकते हैं। और 1 प्याज है, इसको भी मैं स्लाइस में काट ली हूँ बारीक, इसको भी डाल देंगे। अगर छोटे बच्चे हैं तो मिर्ची को भी आप दाल के साथ ही पीस के डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे दाल में सभी को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार ज़रूर से बनाना मेरे तरीके से। ये पकौड़ा ऊपर से क्रिस्पी रहता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगा। हम देखिए पकौड़ा बनाने के लिए मैं कढ़ाई रख दी हूँ। तेल गरम हो गया अच्छे से गैस पर, मीडियम फ्लेम पर ही तेल को गरम करना है। अब हम पकौड़े को बना लेंगे। जितना बड़ा छोटा जैसे भी आपको बनाना है आप अपने अनुसार बना सकते हैं। थोड़ा सा हाथ पर पानी लगा के पकौड़ों को बनाना है। आप चाहे तो चम्मच की भी सहायता से बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको 2 मिनट इसी तरह पकने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गया है पकते हुए। अब हम सारे पकौड़ों को पलट देंगे और पलट के इसी तरह से क्रिस्पी होने तक इसको पका लेंगे अच्छे से। और मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, पकौड़ों को फ्राई करना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा हाई फ्लेम पर करने से, और ऊपर से जल्दी से क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से पक गया है, एकदम फ्राई अच्छे से हो गया पकौड़ा। ये कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इनको निकाल लेंगे पकौड़ों को एक प्लेट में, और इसी तरह से सारे पकौड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। ये कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से बनाना ज़रूर से। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और ज़रूर से बनाना पकौड़े। एकदम टेस्टी चटपटा पकौड़ा बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए दूसरा बैच भी मेरा तैयार हो गया। इसको भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। इस पकौड़ों को आप चाय के साथ खा सकते हैं या फिर शाम को छोटी मोटी भूख है उसमें भी आप बना के खा सकते हैं। देखिए कितना स्पंजी अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। और मैं हरी चटनी के साथ प्लेटिंग की हूँ, आप किसी के भी साथ खा सकते हैं। थैंक यू।